रजत को पलटू बोलकर बुरी फंसी शिल्पा शिरोडकर करणवीर मेहरा के सामने। जी हाँ, बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिल रहा है जहां पर करण और शिल्पा गर्भ के मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर शिल्पा कहती हैं कि वो रजत तो एकदम से पलटू है और उसका कोई ओपिनियन नहीं है, सुबह बात करते कुछ और शाम को कुछ और हो जाता है। तो विवेन उसको कहता है तो उसमें गलत क्या है, जहाँ पर करण कहता है उसमें आपको गलत कुछ नहीं लगता है, विवेन खुद पलटू नहीं है कि जब टाइम ऑफ गॉड बना, सबसे बड़े बात करें तो आप देखो आपने टाइम ऑफ गॉड विवेन को बनाया और विवेन के साथ आप हमेशा लड़ते रहते हो और मुझे बात करते हो साइड कर दिया। ठीक है, मैं उस पर नाराज़ नहीं होता हूँ, कुछ भी आपका मन था, आपका दिल था, आपके दिल के अंदर जो आया। बाकी घर वालों को आपने पूछा कि किसका बात करते हो, अटैच किसका रहा, सभी घर वाले मुझे बनाना चाहते थे, फिर भी आपने विवेन को दिया और जिसकी वजह से अनफेयर हुआ। आपने कहा था कोई भी वो अनफेयर नहीं करेगा और उसने बात कर सो वादा किया था सभी लोगों के साथ, लेकिन उसने ऐसा किया तो सबसे बड़ा पलटू इस घर में कौन है? और रजत की उसमें क्या गलती, पलटू यार उसमें क्या बोल गया? सुबह उसने कहा भाई प्रोटीन वगैरह सब ऐसे ऐड करेंगे तो भाई बात करें तो खाना पूरा देना पड़ेगा, लग्जरी खाना देना पड़ेगा, इसलिए उसने कहा कि मैं प्रोटीन वगैरह नहीं बढ़ा सकता ताकि मैं रात को ना फंस जाऊँ। उसमें उस पलटू बोलने की क्या ज़रूरत थी? और अविनाश जो खुद पलटता रहता है हर बार, हर मिनट, हर सेकेंड में, उसे आप कह रहे हो, आप जस्टिफिकेशन करने आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है शिल्पा जी आप क्या बातें कर रहे हो? विवेन डिसिना की आप सपोर्ट कर रहे हो, आपका बात करते हो, उनके साथ संबंध ऐसे हैं, पता नहीं कौन से संबंध है शिल्पा के और विवेन के, लेकिन आप यदि उसके साथ संबंध अच्छे है तो आप ये नहीं है कि भाई रजत को पलटू बोल दो और उसे सही बोल दो। तो पलटू तो वो भी हुआ, यदि रजत को आप पलटू कह रहे हो तो सबसे बड़ा पलटू वो लगता है मुझे, विवेन और अविनाश। जी हाँ, इस तरीके की बातें बिग बॉस की लाइव फीड में हमें देखने को मिल रही है। बाकी आपके अनुसार सबसे बड़ा पलटू कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएं।